हाय हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। अभी मैं यहाँ मुंबई के बांद्रा रोड में हूँ। सो आई एम ऑन द वे एंड ओवर हेड टू आई थिंक वेर मुंबई गेट। बट अभी लेट नाइट हो चुका है। आई एम नॉट श्योर कि व्हाट टाइम आई विल बी गोइंग टू रीच टू मुंबई, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट मुंबई गेट बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरा एक ड्रीम था कि जाओ, दिस इज द फर्स्ट टाइम इवन माई पेरेंट्स अलाउड टू गो देर। सो आई जस्ट सम टाइम आई विल बी गोइंग देर। अभी मैं यहाँ हूँ। सो थैंक यू एवरी वन फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर एवरी थिंग। अगेन आप जैसा देख सकते हैं कि आगे जाने वाले देखते क्या ही होता है। दिस इज माई ड्रीम सिटी। लोग कहते हैं ना कि मुंबई आना है। आई केम टू मुंबई, आई केम टू विजिट दिस प्लेस एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं CST स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये स्टेशन फेमस है, आतंकवादियों ने जब 2008 में हमला किया था मुंबई जैसे शहर को, चार कुत्तों ने इस स्टेशन पे आके पाकिस्तान से यहाँ पे हज़ारों लोगों की जान लिए थे और बहुत सारे लोग डर के कभी कभी इसके नीचे उसके नीचे छुप गए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं इसी स्टेशन पे मौजूद हूँ, पहली बार आया हूँ। अब तक 14 साल के ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन हमें जो है वो गम अभी भी सताता है, जो कसब जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार हमारे देश में चार आतंकवादियों को भेज के जिस प्रकार उन्होंने हमारे मासूम लोगों की जान ली, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि इस प्रकार उन्होंने किया। और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि मैं आया हूँ, बेचारे लोग जितने मासूम लोग यहाँ पर अपने काम काज से लौट कर घर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, उन लोगों को कितना तकलीफ़ हुआ होगा, कितने लोगों की जानें जा चुकी है। 14 साल पहले जब 26/11 को ये घटना हुई थी, ये कोई आम बात नहीं है, इसको हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। आतंकवाद के ख़िलाफ़ हमें लड़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और आतंकवाद को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि अब जो हालात हमारे देश में बन चुके हैं आतंकवाद के ख़िलाफ़ और आगे भी बनेंगे, किसी एक भी नागरिक की जान नहीं जाएगी, हमें उम्मीद है, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो भी आतंकवादी है उन लोगों के ऊपर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उस दिन को याद करते हुए, एक एक गोली जो भी आम नागरिक के जिस्मों के ऊपर लगी थी, वो कितनी आवाज़ है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो पूरा साउंड जो है रीबाउंस होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो गोली, एक एक गोली जब निकलती हुई, तो लोग कितने भयावह हो चुके थे, कितने डरे हुए थे, कितने परेशान थे, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जो कसाब ने किया, मैं उसको सख्त निंदा देता हूँ जो भी उसने किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो हमारे देश के भलाई के लिए बनाएंगे और देश के लोगों के, नागरिकों के भले के लिए बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी जगह से वो कुत्ता कसाब यहाँ पर आके उसने फायरिंग स्टार्ट किया था, कुत्ता कसाब और कोई और। इसी जगह पे लोग, मासूम लोग घूम रहे फिर रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखी बात है, जो भी हमारे देश के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे ही, और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिले। पता नहीं उस रात क्या बीता होगा वो लोगों के माँ बाप के ऊपर, वो लोगों के ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देश का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। अभी हम यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, मैं कुछ बता भी नहीं सकता, उतना अच्छा उतना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग ही देश में आ चुका हूँ, इतना खूबसूरत नज़ारा है। और जो लाइटिंग इन्होंने लगाया, इट्स स्पेक्टेकुलर, इट्स वंडरफुल।
और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है जो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, एंड फर्स्ट टाइम जब मैं देख रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा मेरे को खुशी मिले बता भी नहीं सकता। मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उससे ज़्यादा खुशी मेरे को देखने में मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो स्टेशन है इसका अलग ही चरित्र है, जो कि 1878 में इसका कंस्ट्रक्शन शायद स्टार्ट हुआ था और 1887 में इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया। और इसने इसका जो कंस्ट्रक्शन किसने किया आपको पता है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। इसका कंस्ट्रक्शन चीफ इंजीनियर विल्सन बेल एंड आर्किटेक्ट कंसल्टिंग आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम ने किया था, जो कि बहुत ही अच्छा है।